हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया और मैं लोटोन आप लोगों के लिए एक नया फोल्ड लेकर आया हूँ, जो हमारा एक लोकल टीवी का फोल्ड है। वो लोकल टीवी का प्रॉब्लम है, जो हमारा सिस टीवी पे जो लाइन दे रहा हूँ एसी का, वो टीवी तो ऑन हो गया, लेकिन हमारा एबी का जो लाइन होता है, ये भी वीडियो कॉल लगाने से जो पिक्चर आना चाहिए वो हमारा पिक्चर नहीं आ रहा है। चलो दोस्तों, पहले तो चेक करेंगे हमारा स्क्रीन पे क्या क्या आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये मैं लाइन देख के मैं टीवी पे ऑन कर रहा हूँ और आप लोग देख सकते हैं हमारा टीवी पे तो ये भी लिखा आ रहा है, लेकिन हमारा टीवी पे कोई पिक्चर नहीं है। लेकिन जब दोस्तों हम लोग ए बी का वीडियो कॉल ओपन कर रहा हूँ, तब तो हमारा टीवी पे ब्लू स्क्रीन आ गया। ठीक है दोस्तों, जब ए बी कॉल लगा रहा हूँ तब तो हमारा ए बी का कोई पिक्चर नहीं आ रहा है, ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ देख लेता हूँ दोस्तों, हमारा जो स्क्रीन ब्लैक होके रह गया है, वहाँ पे हम जब मेनू का बटन दबा रहा हूँ तब हमारा मेनू का पिक्चर क्लियर आ रहा है, और हमारा जो एवी का पिक्चर आना चाहिए वो हमारा पिक्चर एवी का पिक्चर नहीं है। दोस्तों, हमारा इस फॉल्ट के लिए जो जो प्रॉब्लम होता है वो हम लोग चेक करेंगे। हमारा आई के और ए बी एल का जो प्रॉब्लम, वोल्टेज का प्रॉब्लम होता है, जो रेजिस्टेंस काट जाता है, इसीलिए हमारा ये सिस्टम का ए बी का प्रॉब्लम आता है। और एक दोस्तों, जो सैमसंग एल जी पे होता है, जो जेनर डायोड शॉर्ट होने के लिए हमारा ए बी का पिक्चर दब जाता है, वो लो पिक्चर हो जाता है और ए बी का पिक्चर नहीं आता है, लेकिन हमारा हमारा सिस्टम का पिक्चर ओके रहता है। लेकिन दोस्तों, हमारा ये लोकल बोर्ड है, इसका ए बी पे कोई जेनर डायोड का प्रोटेक्शन नहीं है, जेनर डायोड का, इसीलिए हमारा ए बी के को खोजने का कोई मतलब नहीं होता है। देख लेते हैं हमारा जो जो पहले तो हम लोग चेक करेंगे ए बी एल का वोल्टेज। ए बी एल वोल्टेज हमारा डायरेक्ट ई एस टी पे होता है और जाता है हमारा मेन आई सी पे। ये हमारा ए बी एल का वोल्टेज पिन है, आप लोग देख सकते हैं मीटर पे हमारा यहाँ पे 5 वोल्ट ओके है। और दूसरे तरफ हम रेजिस्टेंट पे अपर साइड देखेंगे, यहाँ पे भी 5 वोल्ट ओके है। चलो दोस्तों, हम लोग आई सी पे चला जाता है। आईसी पे यहाँ पे जो हमारा पिन आता है, टैग आता है, ए बी एल का पिन है। ए बी एल पिन पे भी हमारा ये वोल्टेज 5 वोल्ट है। लेकिन दोस्तों, ए बी एल तो चला गया, लेकिन आई के का जो वोल्टेज होता है, आई के वोल्टेज हमारा होता है फिलामेंट से एक रेजिस्टेंस देके, 1.5 के रेजिस्टेंस देके हमारा वोल्टेज जाता है मेन आईसी पे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी वोल्टेज है, रेजिस्टेंट का अदर साइड भी वोल्टेज है। और मेरा जो आईसी पे जो वोल्टेज आता है, ये वाला जो जेनर डायोड है, यहाँ पे हमारा वोल्टेज आता है आई के का। ठीक है दोस्तों, हमारा आई के और ए बी एल दोनों ठीक सही तरह से काम कर रहा है, लेकिन हमारा ए बी का पिक्चर नहीं है। मतलब मेरा जो जो प्रॉब्लम हो सकता है, एक तो हमारा ए वाला आईसी प्रॉब्लम होता है, हो सकता है, और दूसरा हमारा ए वाला ईप्रोम क्रैक हो सकता है। दोस्तों, मैं ए वाला आईसी निकाल के, मेन आईसी निकाल के दूसरा आईसी लगा के चेक किया हूँ, लेकिन हमारा सेम रिजल्ट आया है, लेकिन सेम रिजल्ट नहीं है दोस्तों, हमारा सिस्टम ही ऑन ऑन नहीं हो रहा है। सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है, ये आईसी का जो
आई फ्रॉम आईसीसी जो कनेक्ट है, जो एससीएलएसडी पे जो फ्लिप आता है वो आईसी के लिए बनाया गया है, ये जो मेन आईसी और ईप्रोम के लिए, इसीलिए ए ईप्रोम पे कोई आईसी नहीं ऑन होगा। इस आईसी को मैं रिफ्रेश करके ऑन चेक किया था, लेकिन ए वाला जो ईप्रोम, ए ईप्रोम को चेंज करके मैं इस आईसी को चेक करूँगा और दिखाऊँगा इस आईसी पे ईप्रोम का प्रॉब्लम होने से क्या क्या प्रॉब्लम आता है। लेकिन दोस्तों ए वाला जो ईप्रोम आईसी, एस आईसी के लिए ऑन तो कर रहा है लेकिन ए भी पे पिक्चर नहीं आ रहा है। दूसरा वाला जो हमारा, मैं एक ईप्रोम लेके आया हूँ, ए ईप्रोम लगा के आईसी को ऑन करूँगा और हमारा पिक्चर आ जाएगा। चलो देखते हैं कैसे पिक्चर आता है। दोस्तों मैंने ईप्रोम चेंज करके चेंज कर दिया है, और चेंज करने के बाद दोस्तों हमारा टीवी थोड़ी देर बाद चालू होता है, वो थोड़ी देर बाद एस आई सी का जो डाटा है वो एस आई सी पे जाता है, वो आई सी का डाटा ट्रांसफ़र होने के बाद हमारा टीवी स्टैंड बाई से रिलीज होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आई सी को स्टैंड बाई से रिलीज कर दिया हूँ और देख सकते हैं हमारे टीवी पे ब्लू स्क्रीन आ गया है। और दोस्तों मैं जब ए भी चेंज करूँगा, ये नॉर्मल मोड में चला गया है, ये देखिए हम जब ए भी टू और ए भी वन है, ए भी टू का देख सकते हैं दोस्तों हमारा पिक्चर आ गया है टीवी पे। मतलब मेरा हर बार जो प्रॉब्लम हम लोग चेक करते हैं आई के का, ए बी एल का, मेन आई सी का, लेकिन दोस्तों ईप्रोम पे भी कोई काम होता है, जो एस एल एस डी एस पे काम करता है वो फ्लिप आता है, इसीलिए ईप्रोम भी क्रैक होने से, उसका एस एल एस डी क्रैक होने से उसका जो सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर कह सकते हैं वो प्रॉब्लम होने से हमारा सिस्टम का जो जो प्रोग्राम होता है वो आउट हो सकता है। इसीलिए पहले तो ये बेल चेक कीजिए। इस तरह के प्रॉब्लम पे आप लोग दोस्तों पहले तो एसएल चेक करिए, दूसरा वाला एबीएल चेक कीजिए और आईके चेक कीजिए, फिर पहले जाके ईप्रोम चेंज करके आप लोग देख लीजिए क्या हमारा ईप्रोम के वजह से जो प्रॉब्लम आता है वो तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए मेरा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।